राजगढ़ जिले की पांचों विधानसभाओं में से एक राजगढ़ विधानसभा का चुनाव इस बार बड़ा ही दिलचस्प नजर आ रहा है, जिसमें साल 2018 में एक दूसरे से सामना कर चुके दोनों ही प्रत्याशी 2023 में फिर से एक दूसरे के आमने सामने हैं। कांग्रेस के विधायक बापू सिंह तंवर को अपना प्रत्याशी बनाया है और भाजपा ने भी दोबारा से हारे हुए प्रत्याशी अमर सिंह यादव को ही मैदान में उतारा है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए होने वाले मतदान का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और जिसके दिन हाथों पर गिने जा सकते हैं। ऐसे में दोनों ही राजनीतिक दल मतदाताओं को रिझाने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहे। आपको बता दें कि भाजपा प्रत्याशी अमर सिंह यादव के समर्थन में पूर्व में चुनावी सभा को संबोधित करने राजगढ़ आए भाजपा के दिग्गज नेताओं ने विधानसभा चुनाव को धर्म अधर्म की लड़ाई बताते हुए कांग्रेस को सनातन धर्म का विरोधी बताया और भगवान राम को काल्पनिक बताने वालों को चुनाव में सबक सिखाने की बात कही थी। वहीं इसके जवाब में कांग्रेस विधायक और प्रत्याशी बापू सिंह तंवर भी पीछे नहीं हट रहे हैं और अपने क्षेत्र में रोड शो करते हुए जन समर्थन मांग रहे हैं, अपने समाज के मतदाताओं के बीच पहुंचकर उन्हें चेतावनी भी दे रहे हैं। ऐसा ही एक वीडियो कांग्रेस विधायक और प्रत्याशी बापू सिंह तंवर का जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वो रोड शो के दौरान अपने ही समाज के मतदाताओं से बाबा रामदेव के नाम पर वोट मांगते हुए और उनके विरोधी को एक भी वोट देने वाले को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। राजगढ़ विधायक बापू सिंह तंवर के द्वारा अपनी समाज के मतदाताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सारे लोग मिलकर ऊंचा हाथ उठाओ, सभी लोग 17 तारीख के दिन हाथ के पंजे का बटन दबाने का काम करेंगे। जो पंजे का बटन दबाएगा सीधा बाबा रामदेव का उसे आशीर्वाद मिलेगा। ये टिकट मुझे नहीं मिला, बाबा रामदेव जी को मिला है, क्योंकि ये चुनाव बाबा लड़ रहे हैं। ये टिकट और चुनाव बाबा का चमत्कार है। इतिहास के पन्नों से आप जीत जाओगे, बाबा की कभी हार नहीं होती। अपने वोटर्स को रिझाने के लिए उन्होंने कई बात कही और ये भी कहा कि हमें 720 साल लग गए एक श्राप को हटाने में, और अगर ये फिर से लगा तो हमें 7 पीढ़ियां लग जाएंगी, तब जाकर हमारा नंबर आएगा। इसके अतिरिक्त कांग्रेस विधायक और प्रत्याशी बापू सिंह तंवर ने मौजूदा जन समूह को संबोधित करते हुए ये भी कह दिया कि जिसने हमारे मंदिर में रोक लगाने का काम किया, छात्रावास में रोक लगाने का काम किया, और जिसने हमें चोर कहा, हमारी जात को बदनाम करने का काम किया, हमारे पोस्टर पर गोबर पुतवाए, हमारे पोस्टर निकलवाने का काम किया, क्या ऐसे व्यक्ति को आप वोट देंगे? मत देना, नहीं तो समझ लेना कि मोहनपुरा बांध भरा है, पत्थर बांधकर पानी में कूद जाऊंगा, फिर तुम्हें बापू सिंह कभी नहीं मिलेगा, ढूंढते रह जाओगे। याद रखना, ये जिंदगी और मौत का चुनाव है। गौरतलब है कि राजगढ़ विधानसभा में सिंधिया और तंवर समाज की काफ़ी ज़्यादा संख्या है और इसके चलते दोनों ही समाज से आने वाले लोग विधायक के लिए निर्णायक भूमिका निभाते हैं। जहां भाजपा चुनाव को धार्मिक रूप देकर अपनी ओर वोटर्स को परिवर्तित करना चाहती है, तो ऐसे में कांग्रेस विधायक और प्रत्याशी बापू सिंह तंवर भी पीछे नहीं हट रहे, क्योंकि वो भी तंवर समाज से ताल्लुक़ रखते हैं और वो वायरल वीडियो के मुताबिक अपनी समाज का एक भी मत अपने विरोधी को नहीं दिलवाना चाहते, जिसमें वो अपने समाज के मतदाताओं को खुलेआम चेतावनी देते हुए भी नजर आ रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या इस तरीके के पैतरे चुनाव में एक प्रत्याशी को फायदा दिलाते हैं? यह देखना दिलचस्प होगा और यह नतीजे बताएंगे 3 दिसंबर को। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।